अरे अच्छा हुआ रेहान मैडम आप आ गईं। सारा दिन ना तो मैं आपको फोन कर सकी ना ही इकबाल मैडम को। देखिए ना घर में क्या हो रहा है। मरवत चुप हो जाओ अल्लाह के वास्ते। वेलकम मिस्टर नजीब। खैरियत तो है, हम दरवाजे पे ही मिल रहे हैं। मरवत, ये गार्डन वाली अरेंजमेंट किसके लिए है? वो सर मिस्टर नजीब, हाँ क्या हम वर्किंग रूम में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रहने दें, मैं भी घर आया हूँ। अगर कोई जरूरी बात करनी है आपको तो खाने के बाद। अर्जेंट है इसीलिए आपसे कह रही हूँ, आइए। आ जाएं सर। आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, दामाद साहब अभी आए नहीं है। अगर आपको बुरा न लगे तो आप थोड़ी देर लाउंज में बैठकर इंतजार कर सकते हैं ना? वैसे भी कोई मसला नहीं है, आज का आखिरी निकाह है। बहुत शुक्रिया, आपको थोड़ी देर बस जहमत करनी पड़ेगी। आप इनको ले जाके लाउंज में बिठाएं और इनको चाय या कॉफी जो पिए पिलाएं। बिल्कुल सर, इस तरफ आए। ये काम भी हो गया। चलें बताएं, क्या बात करनी थी आपको? मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझें। मुझे अभी अभी जमरुत मैडम, मैं अभी अभी आया हूँ और बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। आपने जो भी बात करनी है जल्दी करें, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। यास्मीन कुछ तैयारियां कर रही है। किस चीज की तैयारियां? थैंक यू करीम। ये लोग कहाँ गए? आ गए हैं ये लोग। यास्मीन को बता दिया? मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, चलें। वाह, क्या वो आ गए? तुम तैयार हो प्रिंसेस? तैयार हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या वाकई सच में? जी बिल्कुल। मेरी अंगूठियाँ कहाँ हैं? मेरे फूल? ये लो। हाँ लाओ मुझे दे दो। फूलों के साथ तस्वीर लो। सुपर सुपर। चलो चलते हैं। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो आओ चलो। बेस्ट विशेस। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। काफी बड़ा है। बड़ा तो इंसान का दिल होना चाहिए। कभी ये घर भी इतना छोटा हो जाता है कि दिल घबराता है। देखो तो प्रख, इस घर में ऐसे लोग भी हैं जिनसे तुम पहले कभी नहीं मिली। इनको पहचानने में शायद दुश्वारी हो और तुम उनके लिए जो भी करो शायद वो फिर भी अहमियत ना दें, और शायद इसकी वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुंचे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमसे बस एक चीज चाहता हूं तोपराक, कि ये शादी सबको असली लगे। आखिर ये हमारे दो जख्मी दिल ही हैं जिन्होंने मुआहदा किया। क्या तुम मेरे लिए इसे राज रख पाओगी? सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए भी करूंगी। तुम्हें हाँ कहते हुए मुझे मालूम था मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तैयार हूं। चलो चलते हैं। खुश आमदीद मैडम। थैंक यू मरवत।
ये सब क्या हो रहा है? बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। प्लीज, अरे चिनार नहीं आया क्या? तैयार हूं चिनार, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं चिनार, मुझे अपना लो चिनार, तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूं। देखो मैंने हमारी अंगूठियां भी ले ली, देखो शादी कर ली है। करो यास्मीन, ये मेरा फैसला है।
भ्राग को मैंने देखा, मैंने पसंद किया। ये सब मेरा फैसला है। मुझे पहली नजर में प्यार हुआ। प्लीज चुप हो जाओ चिनार, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। यास्मीन, मैं अब शादीशुदा हूं। तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं है? मैं ढूंढ के ले आऊंगा यास्मीन को। तुम्हारी इतनी जुर्रत, क्या तुम मुझे समझा रहे हो? समझा नहीं रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। मैंने उससे कई मर्तबा बात की, मैंने उसे समझाया कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उसने नहीं सुना। बस अपनी नाक की सीध में चलती रही और सामने किसी चीज से टकरा गई। अब सजा तो भुगतेगी ना। तुम कहते हो कि मैं गलत हूँ। क्या उसने कोई जुर्म किया है कि सजा भुगतेगी? उसने प्यार किया है, प्यार, लेकिन उसका बदला उसे चुकाना पड़ेगा। उसी की सजा उसी को भुगतनी पड़ेगी, है ना? यास्मीन टूट चुकी है, महसूस किया? इस वक्त हमें उसके साथ होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। ठीक है, जाओ, तुम्हें कोई भी यहाँ नहीं रोक रहा। जाओ, तुम भी उसके पीछे जाओ। तुम्हारा खून इतना सफेद कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है? तुम अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को जाया कर रही हो। शाबाश मेरी बहन। हमारी फैमिली में खुशामदेद बेटी, जो नाखुशगवार वाकया पेश आया उसे भूल जाना प्लीज। शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं बेटी। तुम ये तो समझ ही गई होगी कि सारे किस्से में हमारा कोई कसूर नहीं। वो तो नजर ही आ रहा है, जितनी समझदार है उतनी ही पानी की तरह शफाफ भी। बहुत प्यारी माशाल्लाह। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो तोपरा को कमरा दिखा दूं। रास्ते की काफी थकन है, थोड़ा आराम कर लें। बेटा, तुम लोग भी एक दो लुक्मे कुछ खा लेते, फिर तुम अपने कमरे में चले जाना। मरवत को बोल देता हूँ, वो कमरे में ही कुछ खाने को ले आएगी, ठीक है? जैसा तुम चाहो बेटा, तुम्हें इजाजत है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। गुड नाइट। खुश रहो बेटा। कैसे हुआ ये सब, मुझे क्यों नहीं खबर की? खुदा की कसम, हम भी हैरान हो गए थे। अभी हम दाखिल ही हुए थे कि चिनार ने लड़की को देखा और फौरन शादी का फैसला कर लिया। मतलब आप लोगों ने पहले से तय नहीं किया था? ये कैसी बात है रेहान। खुदा की कसम, इस बार हमने ये सब प्लान नहीं किया था, बल्कि मैंने तो ये तक कहा था कि बेटा जल्दी मत करो, इस्तांबुल पहुंचकर तुम्हारे अंकल से बात करते हैं। उसने सुना तो, लेकिन माना कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह, पहली नजर का प्यार। बस हर चीज लाले जैसी हुई, बाकी सब समझ जाइए आप लोग। बस हर चीज अचानक शुरू हुई और मुकम्मल हो गई। अल्लाह जानता है मैं क्या कहूँ। मैं हैरान हूँ, लेकिन अच्छा लगा। जिस औरत से उसने शादी की उसे उसने खुद पसंद किया। अगर हम जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते तो वो खुश नहीं रहता। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो अब भी यकीन नहीं। चिनार ने पसंद किया और आप लोगों ने बिना पूछे कबूल कर लिया, है ना? क्या पूछते पाछते रेहान, उस लड़की को हम पहले से जानते हैं और अच्छा है कि उसने भी मना नहीं किया। अगर वो शादी नहीं करती तो अल्लाह माफी दे, पीले बालों वाली चुड़ैल छीन कर ले जाती हमारे हाथों से चिनार को, तो उसे वापस नहीं ले पाते। मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ भाभी, मैं सिर्फ हैरान हूँ। खैर, मुबारक हो आप सबको। गुड इवनिंग टू यू। तो प्राक
ये हमारा कमरा है, फिलहाल इसी में ही गुजारा करेंगे, फिर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सेटिंग भी चेंज कर लेंगे। तुम परेशान हो गई हो तो ब्राक बाहर जो हमारी बात हुई, मैंने तुम्हें यही समझाने की कोशिश की। लेकिन मेरा यकीन करो तो ब्राक, बिलीव मी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि घर में हमारे लिए ये सूरत हाल मुंतजर खड़ी हुई है। काश जो चीजें हमें तकलीफ दें हम उन्हें पहले से देखकर जान सकते। इंसान किससे प्यार करेगा इसकी पेशेंट कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्तों की बुनियाद ही झूठ पर होती है। इंसान को चाहिए कि इसे कबूल करे, पहचाने इस बात को। वक्त ने मुझे दर्द का आदि बना दिया, वो भी आदि बन जाएगी। इंसान मौत के दर्द का आदि होने के बाद किसी और दर्द का आदि नहीं हो सकता। माफ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारे दर्द को याद दिला दिया। कोई बात नहीं, तुम कहो या ना कहो वैसे भी वो दर्द हमेशा मेरे अंदर है। मैं अब चलता हूं, अंकल लोगों से तुम्हारी बात करनी है, कुछ खाने को भी भिजवाता हूं। ऐसे अचानक शादी करने के लिए मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। आई होप कि आप हर्ट नहीं हुए। अस्तग़फ़िरुल्लाह बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा सुकून हम सब के लिए अहम है। मेरे ख्याल में मेरा यह फैसला सही है। तोपराग को देखते ही मैंने ये महसूस किया, मेरे जख्मों को भरने और मुझे जिंदगी में वापस लाने में मदद करेगी। ये शादी हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह, लेकिन अपनी बीवी को छोड़कर आना अच्छा शगुन नहीं है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, वो खुद को अकेला महसूस कर रही होगी। तुम हमें छोड़ो और जाओ अपनी बीवी के पास। आप ठीक कह रही हैं। 50वीं एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन से पहले तुम्हारा अपनी जिंदगी को सही राह पे लाना बहुत अच्छा हुआ बेटा। चले हम भी अब सो जाते हैं, बहुत थका देने वाला दिन था आज। इकबाल मैडम, ये डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, इसका क्या करूं? लानत भेजो, फेंक दो कचरे में। अचानक सो गई थी। मैं समझता हूं तुम बहुत थक गई होगी, लेकिन यहां कंफर्टेबल नहीं है, जाओ बिस्तर पे सो जाओ। नहीं, वहां पे तुम सो जाओ, वो तुम्हारा बिस्तर है, मैं यहां पे ठीक हूं। ये नहीं हो सकता, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता। चलो तुम बिस्तर पे सो जाओ, मैं यहां सो जाऊंगा। ठीक है। बाहर जाता हूं, तुम कपड़े चेंज कर लो। हाँ मैं अंदर आ सकता हूं? बिल्कुल।
थैंक यू। तुम्हें किसी चीज की जरूरत? नहीं थैंक यू। चलो हैव अ गुड नाइट। चना, जहरा कौन थी? जहरा अंकल को फील हुआ कि मैं यास्मीन के करीब हो रहा हूं, तो वो अपने शहर से लड़की ले आए ताकि मैं शादी कर लूं, और मैंने भी यास्मीन से बचने के लिए इस रिश्ते को कबूल कर लिया। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी किससे शादी होने जा रही है, लेकिन यास्मीन रुकावट बन गई। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि जहरा के साथ मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती शायद। अरे उसे कहां पता था कि ये मजबूरी की शादी है, और वो हमारी शादी से और मुझसे उम्मीदें लगा बैठती। लेकिन हम तो एक दूसरे के राज जानते हैं, और अगर सब इस रिश्ते को असली समझें तो ये हमारे लिए ही फायदे की बात है। ठीक कहा, हम कभी एक दूसरे से उम्मीदें नहीं बांधेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें वो याद आ रहा है यूसुफ? वो मेरे लिए सिर्फ मेरी बाजी की निशानी है। तुम जिस तरह यास्मीन से भाग रहे हो, बस उसी तरह मैं भी भाग गई। कभी मुझसे इसके मुतालिक नहीं पूछना। ठीक है, माफ करना।
तो फिर क्या बात है? मैं रुस्कार को याद कर रही थी। पूरी रात मुझे उसी की खुशबू आती रही। चलो आओ। कहाँ? तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, बल्कि तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। चलो आ जाओ। आइए मिस्टर चनार। हेलो कातिया। हेलो। थोड़ी देर बाहर जा सकती हो? थैंक यू। मेरी बेटी उठ गई है क्या? मेरी बेटी उठ गई है क्या? बाबा की जान, मेरी प्यारी तरीन बेटी, कैसी हो तुम? ये तुम्हारी बेटी है? खुदा ने मुझसे एक लाले ले ली तो दूसरी दे भी दी। उसकी रही यादें, उसका चेहरा, उसकी महक, उसकी आवाज, सब कुछ ही तो छिन गया। बस एक जीती जागती बेटी का तोहफा मुझे दे गई वो। अब यही मेरे जीने का सबब है, मेरे दिल की जान। तुम्हें अच्छी तरह समझ गई मैं। मेरी बेटी नाजली के बाद मुझे लगता था मैं किसी और बच्ची को गोद में नहीं ले पाऊंगी, जब तक मैंने रुस्कार को नहीं लिया था। तुम्हारी बेटी है? गोद लिया था। अल्लाह सबर दे। नासली के बाद मेरे दिल का चैन रुस्कार बन गई थी। मैंने अपनी बच्ची की तरह उसे पाला था, इसलिए बिछड़ना बहुत मुश्किल था। मैं समझ गया, रुस्कार ने तुम्हें नासली की याद को भुलवा दिया। इंशाल्लाह मेरी खूबसूरत बेटी तुम्हें रोजगार की याद नहीं आने देगी। तुम कितनी खूबसूरत हो मेरी जान, आओ। लगता है इसे ठंड लग गई है। ठंड लग गई? इसे ये पहना दूं क्या? चलो आओ मेरी प्यारी बेटी, बाबा तुम्हें कभी भी ठंड नहीं लगने देंगे क्योंकि तुम बाबा की जान हो। बाबा की जान। हाँ? क्या बात है, खैरियत तो है? तुम बहुत हैरान लग रही हो मुझे। जरा ठहरो मेहमत, मुझे अपने आप को संभालने दो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, ये वही मासूम सी लड़की तपराक है? ये शादीशुदा थी, चिनार से शादी करने से पहले इसने तलाक ली थी। इसका शौहर जेल में है। जेल में? इसको छुरी मारने की वजह से वो जेल गया। उस शौहर से होने वाली बच्ची मर गई है। इस लड़की के बारे में तो बहुत कंफ्यूजन्स हैं। वाह भाई, क्या क्या आता है इंसान के सामने। अफसोस उस लड़की ने बहुत दुख सहे। लेकिन दिलचस्प ये है कि चिनार ने इस लड़की से शादी क्यों की? इश्क यही है, ये सब कुछ करवाता है। ओहो, क्या इश्क विश्क। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत अहम काम है। अच्छा तो मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने वाली टीम के साथ हमारी मीटिंग है। मेहमत, सेलिब्रेशन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए काम है। अगर तुम चाहते हो तो 2-3 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दूं। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेहान मैडम। ये क्या, नई दुल्हन अभी तक सो रही है? मैं नहीं जानती, काफी देर से खटखटा रही हूँ मैं। मिस्टर चिनार, वो तो काफी देर पहले ही चले गए। Thank you.
फौरन मेरे लिए एक ड्रिंक भेज सकते हैं? प्लीज मुझे इसी वक्त एक ड्रिंक चाहिए। कोई प्रॉब्लम है इस वक्त ड्रिंक लेने में? क्या आप फौरन ड्रिंक भेजेंगे या मैं खुद लेने आऊं वहां? क्या मुसीबत है। हाँ रेहान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अलगाजों में से मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती। क्या काम है तुम्हारा? मुझे जो कहना है वो कहकर चली जाऊंगी मैं, परेशान मत हो। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुश्किल नहीं हुई, जब लाले से तुम्हारी लड़ाई हुई थी तब भी तो तुम होटल रहने के लिए आ गई थी। ये लीजिए आपकी ड्रिंक। थैंक यू। यू वेलकम मैडम। क्या तुमने ये हल ढूंढा है? तुम भी चिनार की तरह खुद को शराब में गुम कर दोगी? तुम्हारे पास कोई बेहतर मशवरा है? तुम्हारा सफेद झंडा फौरन लहराने का मतलब ये है कि तुमने चिनार की झूठी मोहब्बत और झूठी शादी का यकीन कर लिया है। चिनार ने मेरी आंखों में देखते हुए इस लड़की से मोहब्बत होने का ऐलान किया है रेहान, तुम क्या उम्मीद करती हो मुझसे? इश्क तो देखो, ऐसा इश्क किया है कि उसका छूना भी गवारा नहीं। तुम्हें बता दूं कि चिनार के साथ वो लड़की नहीं सोई। क्या तुम्हें यकीन है? खुदा की कसम मैंने खुद देखा है, चिनार और वो लड़की साथ में नहीं थे रात को। मुझे यकीन है अब ये जानने के बाद तुम इस कमरे में बैठकर शराब नहीं पियोगी। मुझे तुम पर यकीन है, सिर्फ इसलिए आई हूं। चाहे वो जितना भी अलग सो जाए, मैं क्या कर सकती हूँ? शादी हो गई उसकी, क्या हो सकता है? मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम लड़ोगी यास्मीन, बिल्कुल पहले की तरह, उस वक्त तक जब तक कि तुम्हें वो ना मिल जाए जो तुम्हें चाहिए। तुम इतनी श्योर कैसे हो रेहान कि ये लड़ना मेरे काम आएगा? इतनी जल्दी हार मत मानो, ये शादी असली शादी नहीं है, ये हम साबित करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है।